बंगाल चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी आईपैक की चर्चा देश भर में हो रही है। इस दौरान प्रशांत किशोर के द्वारा आईपैक छोड़ने का ऐलान करना भी सुर्खियों में है। मीडिया से लेकर देश की राजनीति में हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर प्रशांत किशोर आईपैक को बुलंदियों तक पहुंचाने के बाद छोड़ना क्यों चाहते हैं। इसके साथ ही आईपैक को छोड़कर प्रशांत किशोर कौन सा नया काम शुरू करने वाले हैं। देश की राजनीति में एक नया दौर शुरू करने वाले पीके और उनकी आईपैक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपको बताएं तो प्रशांत किशोर ने अपने 3 साथियों प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंडेल के साथ मिलकर साल 2013 में सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस की स्थापना की। फिर यही वो कंपनी आईपैक में बदल गई, जिसका डंका इस समय पूरे देश में बज रहा है। इसका पूरा नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। कंपनी का मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिस पर राजनीतिक योगदान के लिए जगह हो और देश के गवर्नेंस की बात की जा सके। देखते ही देखते इस कंपनी ने आने वाले वर्षों में एक के बाद एक कई बड़ी सफलताएं हासिल की। आईपैक ने सबसे पहले साल 2014 में बीजेपी में नरेंद्र मोदी के लिए पूरे पॉलिटिकल कैंपेन को संभाला, जिसमें राजनीतिक रणनीतिक तकनीक और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल देश में पहली बार देखा गया। 2014 का लोकसभा चुनाव अब तक के सबसे यादगार चुनाव में से एक बन गया। बिहार में नीतीश कुमार की छवि सुधारने और चुनाव में एक के बाद एक जीत दिलाने के पीछे भी प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी का ही हाथ माना जाता है। बंगाल में दीदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने के पीछे भी प्रशांत किशोर की ही रणनीति जिम्मेदार मानी जाती है। ऐसे में अब देश भर में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि प्रशांत किशोर के बाद आईपैक की कमान किसके हाथों में जाएगी। आपको बताएं तो प्रशांत किशोर के साथ कंपनी की शुरुआत करने वाले प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंडेल कंपनी के को फाउंडर्स हैं। प्रशांत के बाद यही वो लोग हैं जो आईपैक के मुख्य स्तंभ हैं। ये कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं। मोटे तौर पर कंपनी के कामकाज में प्रशांत किशोर के साथ इन तीनों की भूमिका बहुत अहम होती है। ये तीनों युवा हैं और खास पढ़े लिखे भी हैं। प्रतीक जैन ने आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग डिग्री ली है। वो पटना बिहार के रहने वाले हैं। वो डिलॉयट इंडिया कंपनी में एनालिस्ट रह चुके हैं, ट्विटर पर सक्रिय हैं। 3 मई को बंगाल चुनाव के परिणामों के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि वी डिड इट। प्रतीक आमतौर पर लो प्रोफाइल रहते हैं। ऋषिराज सिंह आईपैक के दूसरे को फाउंडर हैं। वो दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। वो आईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं। एचएसबीसी बैंक में एनालिस्ट रह चुके हैं, ट्विटर पर हैं, लेकिन आमतौर पर लो प्रोफाइल रहते हैं। वो आईपैक की लीडरशिप टीम में हैं, साथ ही कंपनी के तमाम अन्य प्रोडक्ट्स को भी हैंडल करते हैं। वहीं कंपनी के तीसरे फाउंडर विनेश चंद्रेल कंपनी के तीसरे को फाउंडर हैं, युवा हैं। उन्होंने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की है। कुछ दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत की, टाइम्स नाउ में न्यूज एनालिस्ट रहे, लो प्रोफाइल रहते हैं, ट्विटर पर जरूर है लेकिन ज्यादा सक्रिय नहीं रहते। माना जा रहा है कि कंपनी को संभालने की योग्यता तीनों में है और हो सकता है कि इन्हीं तीनों में से कोई एक कंपनी की बागडोर संभाल सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर के कंपनी छोड़ने के बाद आईपैक अपनी खासियत को बरकरार रख पाएगी। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।